ये चंद रोज़ा ज़िंदगी के बाद एक लंबी ज़िंदगी आ रही है, जिसमें जब हम जाएंगे तो मौत से पाक हो जाएंगे, बुढ़ापे से पाक हो जाएंगे, और बीमारियों से पाक हो जाएंगे, दुख तकलीफ़ों से पाक हो जाएंगे। जन्नत में होगी आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को बुलाएंगे, फिर उससे आगे इदरीस, शीस, इदरीस, नूह, सारे चलते चलते अंबिया, आखिर में हमारे नबी की दावत होगी। अपने नबी की ज़ियाफ़त खाने के बाद फिर अल्लाह का पैगाम आएगा, इन रब्बकुम यस्तज़ीरुकुम व युकरुकुम अस्सलाम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, तुम्हें मिलना चाहता है, चलो अल्लाह की बारगाह में। तो जन्नत एक मैदान है जिसका नाम है मस्जिद, उसमें सब जमा हो जाएंगे, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, और अल्लाह ताला वहाँ जो खाना खिलाएगा वो जन्नत से बढ़िया, जो लिबास पहनाएगा, खुशबू लगाएगा, सारी बातें बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात होगी कि एकदम अल्लाह का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आप इन आँखों से देखोगे, अल्लाह कहेगा सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो, खुश हो, राजी हो, एक एक औरत से पूछेगा, एक एक मर्द से पूछेगा, खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ नहीं या अल्लाह, कोई ख्वाहिश, कहेंगे या अल्लाह मुल्तान में तुम्हें सजदे किए देखा नहीं था, बिन देखे थे, टक्करें थीं, आज तुम्हें देख लिया है, तो हमारा जी चाहता है कि हम आपको देख के सजदा करें, देख कर, जैसे दुनिया में बिन देखे करते थे, आज आपको देख के सजदा करें, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो दुनिया में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, तो तुम्हारे जिम्मे मेरी बंदगी थी, अब तुम मेरे मेहमान खाने में हो, तुम मेहमान हो, मैं मेज़बान हूँ, मेहमान को कोई काम नहीं दिया जाता, जाओ मज़े करो, खाओ पियो, मौज करो। जन्नत सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, और उसका जन्नती जहन्नुम में जलेगा, पहले अपने कबीरा गुनाहों की सज़ा भुगतेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, और जब उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो सामने एक शख्सियत होगी, उसको देख के यूं सर झुकाने लगेगा, वो कहेगा क्या कर रहे हो, कहा तुम फरिश्ते हो, तुम्हें आदाब बजा लाता हूँ, जैसे पैरों पे हाथ जी, गोड़ियों पे हाथ जी, हमारी तहजीब है, तो वो ऐसे गोड़ियों पे हाथ ले जाने लगेगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, और मेरे जैसे हजारों हैं आपके। आगे चलेगा तो 70,000 नौकर उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे, ऐसे लाइन में खड़े होंगे और कहेंगे अमा आने ले सैयदना अन नज़ूरहू, हमारे आका आप तो आए ही ना, हम तो इंतज़ार कर करके सुकड़े पे गए। वो कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़े लितर खा दिल, शुक्र करो मैं आ गया। और वो सारे ढोल बजाते खुश होते उसको लेकर चलेंगे और एक मैदान में उसको बिठाएंगे, तो वो इधर देखेगा तो जन्नत ही जन्नत, इधर देखेगा जन्नत ही जन्नत, कहेगा ये सब कुछ किसका है, कहेंगे सारा कुछ आपका है। फिर वो उसके सामने लाएंगे, एक एक हाथ में ग्लास होगा, एक हाथ में डोंगा होगा, एक में खाना होगा, एक में मशरूब होगा, हर डोंगे का खाना अलग, हर ग्लास का मशरूब अलग, और ये 70,000 1,40,000 हो गए डोंगे और ग्लास मिलाकर, ये सारे खा जाएगा, सारा पी जाएगा, और उसके ना पेट फटेगा ना फूलेगा, ना लज्जत ख़त्म होगी ना थकेगा, हर नवाले की लज्जत पहले से ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो कहेंगे अच्छा बाबा अपनी बेगम साहब से मिल लें, वो नौकर एकदम गायब हो जाएंगे, सामने से पर्दा हटेगा, तो जन्नत की लड़की, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है बैदख, बे ये दाल खा, वो कवर्ड है मोतियों से, उसमें मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर बहता है, बहता है। जब अल्लाह किसी भी हूर को पैदा करना चाहता है तो वो ऐसी नहीं हो, जन्नत की हूरें माँ के पेट से निकली फिर रुड़ दियाँ पियाँ, दूध पियाँ पी दियाँ, फीडर पियाँ पी दियाँ, ऐसा नहीं है।
वो अल्लाह ताला कहता कूनी हो जा, तो पूरी जवान लड़की निकल के बाहर खड़ी हो जाती और उसको 100 जोड़े अल्लाह पहनाता है और उसका 130 फुट कद होता है। तो मुझे एक मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट था, अब ये घिसते 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 टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम के साथ एक जिम्मेदार ने मरासी को घोड़ा दिया था खरखरा कर मालिश कर, वो मरासी से मालिश को कभी हुआ सुना ही नहीं, वो थोड़ी देर करता रहा जिस वेले मालिक घर गया और सौ गया, सौ गया घोड़ा चोर ले गए उदी अख खुली उदा लबे मारे गए, वो गया घर और वहाँ से खरगोश पकड़ के लाया और उसको रस्सा बांध के मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में जिम्मेदार निकले कहना वो घोड़ा की दे जी आए खलोता है फिटे मुँह तेरा घोड़ा है ये तो खरगोश है, नहीं साईं घोड़ा है घास घास के मैंने इतनी मालिश की है ये सयोड़ा बने खरगोश आ बने। तो हमें भी ना ये कायनात ने और इन फिजा फजाओं ने हवाओं ने हमें घिसाया है ऐसे घिसाया है और हम इस कद पे आ गए। जन्नत का असली कद 130 फुट है, इन बच्चियों का भी आपका भी हर जन्नती मर्द औरत की हाइट 130 फुट पर है और ये बच्चियां जो लिबास पहनेंगी वो 3 मील के दायरे में घूमेगा ऐसे, तो ये सोचती होंगी उठाएंगी कैसे साड़ी तो वैसे ही कमर टूट जाएगी। 3 मील के दायरे में वो लिबास घूमेगा इस तरह इतना बड़ा और 100 जोड़ों से घिरी होंगी, जन्नत के लिबास का वजन कोई नहीं। जैसे हम खला में जाएं तो हमारा वजन खत्म हो जाता है, हमारा वजन तो ग्रेविटी और हवा की वजह से, जब हम हवा से ऊपर निकल जाते हैं तो हम बेवजन हो जाते हैं, तो जन्नत के लिबास का अल्लाह ने वजन खींच लिया है कोई वजन नहीं, और वो सिलाना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, धोना नहीं पड़ता, उसको प्रेस नहीं करना पड़ता। जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा, उस पर यूं करके लगे हुए हैं फूल, ऐसे फूल लगे हुए हैं, जब आपका जी चाहेगा कि मैं कपड़े बदलूं तो आपका खाली एक इशारा होगा तो उससे एक लाइट निकलेगी ऐसे। अब ये आपने 100 जोड़े पहने हुए हैं, इनको अगर आप उतारने जाएंगे तो कितना थकेंगे, और फिर अगले 100-200 हो गए तो मोटे तो विच ही रह गए, तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, क्या होगा? आप कहेंगे कपड़े बदल लो, आपके जहन में एक डिज़ाइन आएगा, आपके जहन में डिज़ाइन आएगा टक, जैसे ये कैमरे नहीं है ये मोबाइल कैमरे वो ऐसे फ्लैश फेंकते हैं, तो ऐसे फ्लैश आएगा और फिर क्या होगा आप देखोगे तो आपके अगले जोड़े गायब होंगे और नए जोड़े आप पहन चुके हैं, क्योंकि पूरी जन्नत में कोई लॉन्ड्री कोई नहीं है, कोई टॉयलेट कोई नहीं है, कोई बाथरूम कोई नहीं है, पूरी जन्नत में कोई धोबी नहीं है। तो एकदम मेकअप के लिए इन बच्चियों को कितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है, इसे ज़्यादा जानती होंगी, वहाँ इरादा करेंगी मेकअप हो जाए तो टक 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 1 सेकंड में। और एक और मज़े की बात, हर जुमे को जब वो होगा ना अल्लाह कहेगा जाओ मज़े करो खाओ, तो वो कहेंगे या अल्लाह नहीं हम जन्नत नहीं चाहते तुझे देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला कहेंगे अभी जाओ हर जुमे आ जाया करना, तुम्हारी मेरी बात होगी हर जुमे। अल्लाह से मिलने के बाद हर जुमे जब वापस आएगा हर जन्नती, तो एक बाज़ार लगेगा मर्दों का एक औरतों का, उस बाज़ार में फ़ोटोज़ होंगी बड़ी खूबसूरत, हर फोटो के नीचे लिखा होगा अगर आप चाहें तो मैं आप में कन्वर्ट हो सकती हूँ। बेगम ने एक तस्वीर देखी उसे पसंद आई तो अगले सेकंड में उसका चेहरा उसके मुताबिक होगा, खामिद को तस्वीर पसंद आई तो अगले सेकंड में उसका चेहरा वैसा होगा। अब ये नई शक्ल लेके जा रहा है और बेगम भी नई शक्ल लेके आ रही है, लेकिन दरवाजे पे लड़ाई नहीं होगी, बीबी कौन है किधर आ गई है तो तेरी जन्नत ही नहीं, तो तू किधर आड़ा है बदमाश है जन्नत तेरी है कोई नहीं, वो उसे पहचानेगी वो उसे पहचानेगा, और अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आएगा कहेगा अल्लाह के बंदे ये फल है अल्लाह ने आपको दिया है, ऐसे बैठे हैं मियां बीवी, वो कहेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, मैं अभी मैंने खाया है ये फल मैंने अभी खाया है, वो कहेंगे अल्लाह कह रहा है इसको भी चख लो थोड़ा, जब वो उसको ऐसे चीर के
खुलेगा वो खुद ही ऐसे फट जाएगा, तो उसमें से जब एक फाड़ी उठाएगा या जो चीज़ भी है उठा के मुंह में डालेगा, तो उसकी जन्नत में 10 करोड़ अगर दरख्त हैं और उन पर अलग अलग फल हैं और उनके अलग अलग खुशबू और जायके हैं, तो उस एक नवाले में उसे 10 करोड़ फलों का जायका और खुशबू और लज्जत अल्लाह ताला महसूस करवाएगा। फिर एक और अल्लाह ने ताकत रखी है कि आपने नवाला मुंह में डाला, उसको तो अब रोकना ही दुनिया में तो मुश्किल होता है ना, बड़ा जोर लाया डॉक्टर ने, चबा के खाओ चबा के खाओ, तो वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक उन्हें कौन इंतज़ार करे। वहाँ आपने नवाला मुंह में डाला, आपको खाते खाते ख्याल आ गया मछली का, तो मछली उठानी नहीं पड़ेगी, यही नवाला मछली बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आ गया मुर्गे का, तो ये मुर्गा बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आया बकरे का, तो ये बकरे का गोश्त बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आया केले का, तो ये केला बन जाएगा। अमरूद का है तो अमरूद बन जाएगा। मुल्तान में कोई नसवारी था, उसे नसवार याद आई तो नसवार भी बन जाएगा। जन्नत के परिंदे उड़ते हुए आएंगे और आके बैठ जाएंगे, जी आप मुझे खाएं, वो कहेगा मुझे खाएं, वो कहेगा मुझे खाएं। इधर मरी मरी मुर्गियां खा के हमारे जवानों की जवानियां ही मर गई हैं, वो जरिए ऐसे करके पड़ी होती। वो देसी मुर्गी होती थी, पकड़ने में भी जोर लगता था और खाने में भी। तो वो कहेंगे मुझे, एक परिंदा कहेगा मैंने जन्नत और फिरदौस का घास खाया है और उसका पानी पिया है, तो आप मुझे खाएं। हाँ तू ठीक। तो वो कैसे उसको खाएगा, वो अपने परों को ऐसे यूं फैला देगा, उसके 70,000 पर होंगे, उनको ऐसे करेगा ऐसे करेगा, तो हर पर से खाने का एक खाने की किस्म गिर के टेबल पे सेट हो जाएगी और हर 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 डिश पहले से ज़्यादा लजीज होगी। जिंदगी आगे आ रही है, ये भी कोई ज़िंदगी है, कभी बीमारी पीछे है, कभी मौत पीछे है, कभी दुख पीछे हैं, कभी लड़ाइयाँ हैं, कभी झगड़े हैं, कभी झूठे मुकदमे हैं, कभी माफियाज ग्रुप का जुल्म सितम है। तो ये अंधेरा का जहान है, ये रहने का नहीं है।